हेलो क्लासेस से पहले वाली वीडियो में हमने एक्सरसाइज नंबर 5.3 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को कंप्लीट कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 की शुरुआत करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में भी यही चीज दिया गया है कि हमें सम फाइंड करना है कि सम कितना होगा। तो सम के लिए हमारा जो फॉर्मूला है जो हम जानते हैं वो हमारा है SN=N/2 ब्रैकेट में 2a प्लस N-1 फिर d। और एक और फॉर्मूला यूज करते थे SN=N/2 ब्रैकेट में a प्लस l। ये दो फॉर्मूले हम सम के लिए यूज करते हैं, ठीक ना। अच्छा देखा जाए तो ये फॉर्मूला हम किसके लगाते हैं, फाइनाइट के लिए, और ये लगाते हैं हम इनफिनाइट के लिए। अच्छा, इसमें नोटिस करेंगे आपको n दिया हुआ रहता है या n आपको दिया नहीं तो निकालना पड़ता है। तो इस सवाल में आपको देखने को मिलेगा कि इन सारे सवालों में n गायब है। देखो, आप a निकाल सकते हैं, d निकाल सकते हैं, लेकिन आप में इसमें कहीं n नहीं मिलेगा। आपको लास्ट टर्म भी दिया हुआ है लेकिन n नहीं दिया है। तो सबसे पहले हम n निकालेंगे, और n निकालने के लिए हम जो अपना फॉर्मूला यूज करते थे एक्सरसाइज नंबर 5.2 में वो फॉर्मूला यूज करेंगे, जो कि हमारा था होता है AN=A+N-1d। इस फॉर्मूले का यूज करके हम पहले n निकालेंगे, फिर n निकालने के बाद हम इसमें पुट करेंगे, जिससे हमारा क्या निकलेगा, सम निकलेगा, ठीक। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या दिया गया है कि 7 + 10 (1/2) + 14 + ……+84। अच्छा, नोटिस करेंगे तो यहाँ पे हमारा ये क्या दिया, a, ठीक। हम डिफरेंस निकाल सकते हैं, तो डिफरेंस क्या होता है, A2 - A1, मतलब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो 10 (1/2) - 7, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 × 10 = 20 + 1 = 21, तो क्या बन जाएगा, 21/2 - 7। इसके नीचे 1 लिखेंगे, हमें पता है ये इससे मल्टीप्लाई, ये इधर, तो 21 × 1 = 21 आएगा, -7 × 2 = 14/2। अब माइनस करेंगे कितना आएगा, 7/2 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा डिफरेंस कितना आ जाएगा, 7/2, और यहाँ पे हमारा डिफरेंस आ गया। और ए एन देखो लास्ट टर्म क्या दिया, 84, तो हमें ए एन भी कितना गिवन है, 84 गिवन है। तो बस हमें एन निकालना है, तो फॉर्मूले में बस इस फॉर्म में पुट करेंगे, तो पुट करेंगे, देखिए ए एन की जगह क्या आएगा, 84 = a की वैल्यू हमारी कितनी है, 7 + n-1, d की वैल्यू देखिए कितनी निकली, 7/2 निकली। अब 7 प्लस का होता है तो माइनस का, तो 84 - 7 = n-1 × 7/2। अब देखिए माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 77 आएगा, (n-1) × 7/2। अब देखिए 7 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड में, तो इसको यहीं काट देते हैं, तो यहाँ आएगा 11, और 2 उधर भेजेंगे तो क्या आएगा, 11 × 2 = 22, तो क्या आएगा हमारा, 22 = n-1, ये हमारा आ जाएगा। अब मास करेंगे तो हो जाएगा तो प्लस का, तो n = क्या आएगा, 22 + 1 = 23, तो यहाँ से हमारा n निकल आएगा। अच्छा, आपके पास n आ गया, ठीक, आपके पास a भी है, an भी है, d भी है, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं या फिर ये वाला भी। ये वाला कैसे, क्योंकि इसमें लास्ट टर्म की बात की गई है और आपके पास लास्ट टर्म क्या, 84 ही है, तो इसका मतलब an जो है ना वही हमारा क्या लास्ट टर्म है। तो हम इस फॉर्मूले का यूज करके इसके सम को निकालेंगे, इसको सम को निकालते हैं। तो देखिए sn निकालना है (n) की वैल्यू कितनी निकली, 23/2 ब्रैकेट में a प्लस l, a की हमारी कितनी थी 7 और l कितना देखिए 84 है, ये हमने रखा, इनको ऐड करेंगे तो ऐड कीजिए कितना आएगा, 23/2 और मल्टीप्लाई, इनको ऐड करेंगे तो 7 × 4 = 11 हासिल आएगा, 1 + 8 = 9 = 91 आएगा। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इनको मल्टीप्लाई करने पर हमारा कितना आएगा, ये हमारा आएगा 20 (93/2) आ जाएगा, ठीक ना। और इसको अगर डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 10 = 46.5, यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा sn की वैल्यू, मतलब इसका सम जो होगा वो इतना कुछ होगा, ठीक ना। तो यहाँ से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इसी तरह अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले n निकालेंगे फिर सम निकालेंगे। तो n निकालने के लिए पहले देख लेते क्या क्या दिया है। तो हमको a दिया हुआ है 34, डिफरेंस निकालना है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, मतलब 32 - 34, मतलब कितना, -2 डिफरेंस आ गया। और an कितना दिया हुआ है आपको, 10 दिया हुआ है, तो हमें पता है an = क्या आएगा, a + n-1 d। अब an की वैल्यू देखिए कितनी है, 10 है, तो यहाँ 10 रखेंगे, a की वैल्यू कितनी है, 34 रखेंगे प्लस n-1, और d की वैल्यू कितनी है, -2, ये रखा, 34 उधर भेजेंगे तो 10 - 34 = क्या बचेगा, n-1 × -2। अब देखिए इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा, -24 = n-1 × -2, माइनस कट जाएगा, 2 से काटेंगे कितना आएगा, 2 × 2 = 4 = 12 = n-1, माइनस करेंगे तो आएगा तो प्लस का, तो 12 + 1 = n, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, 13 आ जाएगी, 12 में 1 जोड़ेंगे 13 आ जाएगा। तो यहाँ इस तरह से हमारी n की वैल्यू आ जाएगी। अब हमें निकालना क्या, सिर्फ सम, तो सम के लिए हमें पता है फॉर्मूला sn, क्योंकि हमें लास्ट टर्म दिया है तो हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे, sn = क्या, n/2 a + l, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। n की वैल्यू देखिए कितनी है, 13, तो 13/2, और a की वैल्यू देखिए कितनी है, 34, तो 34 रखेंगे प्लस l की वैल्यू कितनी है, 10, तो 10 रखेंगे। अब इनको ऐड कर लीजिए तो क्या आएगा, 13/2, 4 + 0 कितना आएगा, 4, 3 + 1 = 4, अब 2 से काटेंगे कितना आएगा, 22 आएगा। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 13 × 2 = कितना आएगा, 26, 26 का 2 लगा, फिर 32 + 26
26 और 2 कितना होगा 28, तो सम कितना आ जाएगा 286 आ जाएगा और यहां से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की, तो क्वेश्चन नंबर 3 लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमको दिया गया है माइनस का 5 प्लस माइनस का 8 प्लस डॉट 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 माइनस का प्लस माइनस का 230, ये दिया हुआ है। हाँ, इसका सम निकालना है, ठीक ना। अब ये भी दी हुई सीरीज है तो इसमें भी हमको पता ज्यादा कुछ नहीं करना है, हमें पहले देख लेना हमें अपना एन निकालना है। तो एन निकालने के लिए पता हम अपना ए एन का फॉर्मूला यूज करेंगे, उसके लिए देख लेते क्या क्या चीजें हैं। तो ए हमको कितना दिया माइनस 5, डिफरेंस हम निकालते हैं सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, मतलब माइनस का 8 माइनस माइनस का 5। अब देखिए माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो क्या आएगा माइनस का 8 माइनस माइनस प्लस 5, माइनस करेंगे कितना आएगा 8 माइनस 5 गया 3, अच्छा 3 माइनस का क्योंकि 8 बड़ा है इसलिए 8 के पास जो साइन होगा वही साइन लेंगे। तो ए कितना आ जाएगा, डी कितना आ जाएगा हमारा माइनस 3 आ जाएगा, ठीक। अब डी आने के बाद हम देखेंगे हमारा ए एन कितना दिया हुआ है लास्ट टर्म माइनस का 230, हमें निकालना है सिर्फ एन। तो हमें पता है फॉर्मूला क्या यूज करेंगे ए एन का, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन की वैल्यू देखिए कितनी दी है माइनस का 230, ये रखा इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी दी है देखिए माइनस 5 प्लस एन माइनस 1 और डी की वैल्यू हमारी कितनी दी है माइनस 3 निकली है, ये लिख लिया। अब क्या करेंगे माइनस का 5 उधर भेजेंगे तो माइनस का 230 माइनस से उधर गए तो प्लस का 5 इक्वल टू एन माइनस 1 मल्टीप्लाई माइनस 3। अब देखिए यहां से क्या करेंगे इसको, देखो प्लस माइनस क्या होगा माइनस, लेकिन साइन लगेगा माइनस का क्योंकि माइनस का बड़ा है। तो 230 में से अगर 5 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 225 आ जाएगा इक्वल टू एन माइनस 1 मल्टीप्लाई माइनस का 3, माइनस से माइनस कटा 3 से काटेंगे 3 7 21 फिर 1 और 5 3 5 15 तो 75 आएगा, माइनस का 1 उधर आएगा तो प्लस का, तो 75 प्लस 1 इक्वल टू एन, तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 76, तो यहां से हमारा एन आ जाएगा। अब हमें निकालना है SN, तो SN इक्वल टू हम फॉर्मूला यूज करेंगे n बाय 2 a प्लस l, क्यों, क्योंकि हमें लास्ट टर्म गिवन है, ठीक ना। यहां n की वैल्यू रखेंगे, n की वैल्यू कितनी है 76 अपॉन 2 ब्रैकेट में a की वैल्यू देखिए कितनी माइनस 5 और l की वैल्यू कितनी है माइनस का 230। अब देखिए प्लस माइनस क्या होगा माइनस, तो 76 अपॉन 2 मल्टीप्लाई माइनस का 5 माइनस का 230। अब देखिए माइनस माइनस क्या होगा प्लस, लेकिन साइन लगेगा माइनस का, तो 76 अपॉन 2 मल्टीप्लाई कितना आएगा माइनस का 235 ये आ जाएगा। अब यहां से इसको हम क्या करेंगे काटेंगे तो 2 वन जो 2 2 3 जो 6 और 2 8 जो 16 तो कितना आएगा 38 मल्टीप्लाई माइनस का 235। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा हमारा 8930 वो भी माइनस का, ठीक ना। तो यहां से हमारा आंसर आ जाएगा और यहां से यह सम निकल आएगा। तो इस तरह के सवालों को करने के लिए अगर मान लो आपके पास कोई सवाल दिया है, ठीक ना, अब उसमें एन नहीं है तो सम के लिए या फिर क्या कहते किसी भी सम के लिए या फिर एन निकालना इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए एन हम पहले निकालेंगे फिर हम सम निकालेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी या इन्फॉर्मेटिव लगी तो आप हमारी वीडियो पर लाइक कमेंट शेयर तथा सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ इससे पहले वाली वीडियो का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप उसे वहां जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो आज की क्लास के लिए धन्यवाद।